केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सीटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। थाना सरूरपुर पुलिस ने मृतक के खिलाफ भी दर्ज किया मुकदमा। दरअसल जानकारी के मुताबिक कस्बा करनावल निवासी गौरव छोटू व कृष्ण के बीच दो दिन पूर्व कहासुनी को लेकर मारपीट और चाकूबाजी हो गई, जिसके बाद कृष्ण ने गौरव व अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाना सरूरपुर में तहरीर दी थी। इस मामले में अन्य 5 लोगों के साथ पीड़ित कृष्ण के 3 साल पहले मृत हो चुके वृद्ध पिता मुंशी को भी नामजद कर दिया गया। पुलिस की एक तरफा कार्रवाई और मृतक के खिलाफ मामला दर्ज करने को लेकर पुलिस ही अब कटघरे में है। ये थाना सरूरपुर के करनावल में एक मारपीट हुई थी, जिसके संबंध में गौरव पुत्र मुंशी ने एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें अन्य व्यक्तियों के साथ मुंशी का भी नाम उनकी तहरीर में उल्लेख था। उसी तहरीर के आधार पर थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बाद में वादी के बयान लेने पर उसके द्वारा ये बताया गया कि ये तहरीर उसने किसी से लिखवाई थी और उसमें गलती से मुंशी जो उसके पिता हैं और मृतक हैं उनका नाम भी अंकित हो गया है, तो उनके बयान के आधार पर उनके नाम को हटाया जाएगा और ये उनका नाम जिन्होंने तहरीर लेखक हैं उन्होंने गलती से लिखा है, ऐसा जांच में पाया गया। ये मारपीट का मामला था सीधे, तो इसमें बिना कोई जांच किए मारपीट का मामला तुरंत तैयार तहरीर आने पर मुकदमा दर्ज किया गया था, कोई पहले जाँच नहीं की गई। ये वादी ने बयान दे दिया है कि इसमें ये जो नाम हमने विपक्षियों के नाम में मुंशी नाम अंकित कराया है ये गलती से दर्ज हो गया है, ये मृतक है और उसके पिता है, इसको समाप्त कर दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट न्यूज़।